हेलो व्यूअर्स नमस्कार मु स्वर्ण स्वर्ण स्कूल लैब को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानको पई गोटे ओडिसा रा ट्रेडिशनल रेसिपी नेकी आसी छी जोटा कि होची पखळा भात। एही पखळा भात हम ओडिसा रा परिचय, तो आसंतु एही पखळा भात को बनाइबा। मु एही पखळा भात को दुई प्रकार रे बनाई छी। मुझे पखाड़ भात को सज भात बनाइबी। मुझे उष्णा चाउल यूज करी, तेणुक मुझे चाउल को धोई नहीं पा और चाउल एकाठी मिसाइक बसाऊँ। जदि आपण मैंने अरुआ चाउल बनाइबे प्रथम पानी को भलरे फुटाई ने अरुआ चाउल पकाइबे, नचे ये आपण मैंने बासी पखाड़ बनाई पारे। तो आसतु प्रथम भात को बनाई ने। यही पखाड़ मुझे किसी साइड आइटम बनई, तो आसतु ताक देखने बड़ी चूरा मुझे किसी बड़ी को एमती तेल में भलि भाजी नेदी आपण मानक एमती भजा पसंद ना तेज ड्राए करके भाजी पारे, किंतु एमती भाजवा द्वारा बड़ी चूरा बहुत टेस्ट लगी था। बड़ी आमर भाजी होगा थंडा करे सेम कड़ई में बैगन चकटा बैगन को भाजी ने। मुझे कड़ई रू कि तेल बाहर कर नहीं बैगन को एमती चारिखंड काटी कड़ई में देदे बैगन को पकई नाला अल्प टिके लुण दे एमती बैगन को ओलटाई भी नेबे। एमती ओलटाई या कभर करे फ्लेम को हाई रे रखि थे। ये देखु बैगण आम 50% कुक होगा, एमती ओलटाई नहीं या पुणी आउ थे कभर करे और फ्लेम को लो रे रखि। एमती हाई लो रे भाजला बैगण आम पूरा सफ्ट हो जाए भलि जाए बाहर करे और थंडा करे। जो दिन बैगण को पोड़ की चकटिक खाई ना एमती बैगण को बन चकटिक खाई यार टेस्ट सेम टू सेम बैगण पोड़ार चकटा पी लगी था। बर्तमान आसतु भात को देखी नवा। यही भात को आम टे सफ्ट करवा कारण पखाड़ एमें पा दे भात आम टाण हो जाए। ये देखो भात आम पखाड़ पूरा परफेक्टली हो जाए। देखो एमती ही सफ्ट कर बनइबे। एवं आसतु एथर पेज बाहर करने और थंडा करे बड़ी आमर थंडा होगा। एवं आसतु बड़ी चूरा बनई ने। मुझे बड़ी चूरा ग्राइंडर यूज करें छेचिक नहीं पारे यहाँ कितनी मुझ दरदरा ये ग्राइंड कर नेबी। मुझे बड़ी शाग भजापी रखि नेटा मुझ शाग भजार यूज करी। एवं यह बड़ी में गोटे कंचा लंका 6-7 रसुण को दे ग्राइंड कर वर्तमान पियाज को देवी ना पियाज को दे ग्राइंड कले या स्टिकी बनी जाए। ये देखु एमती ही ग्राइंड करमती दरदरा रखे ग्राइंड कले आम बड़ी चूरा बहुत टेस्ट लगी था। यही बड़ी चूरा को गोटे प्लेट को बाहर करे गोटे प्लेट को बाहर करापर ए छोट छोट खंड कटा जा पियाज और स्वाद अनुसार लुण पकाई या भलि मिक्स करें। चाहिए ये गोटे ड्रप रु 2 ड्रप सोरस तेल यूज करेंगे। मुझे ये सोरस तेल देना आलु चटनी व आलु चकड़ापी मुझे किसी आलु सीझाई नहीं एथरु चोपा को बाहर करे एवं किसी कंचा पियाज को एमती काटिकीद हाफ टी स्पून भजा जीरा गुंड केद भल कलर आसवापी हाफ टी स्पून काश्मीर लंका गुंड देद अल्प टिके कंचा लंका को एमती काटिकीद स्वाद अनुसार लुण अल्प टिके चाट मसला दे भल टेस्ट आए चटपटा फ्लेवर आसवापी। एवं गोटे छोट चामच सोरस तेल को पकईने एमती भलि चकट ने। यही आलु चकटारे आपण मैंने भजा जीरा गुंड और चाट मसला को कदा भी स्किप करेंगे ना या द्वारा बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है। ये आलु चकटारे वर्तमान आसतु बैगण को चकट ने। बैगण आमर थंडा होगा या चकटी ने बैगण रु बैगण पोड़ा पर चोपा छड़ेबाक पड़ न था यहाँ भाजी हो बढ़िया से सीझी जाए था आराम से चकटी हुए। ये स्वाद अनुसार लुण धनिया पत्र हाफ टी स्पून रु कम सोरस तेल और छोट छोट खंड कटा जा पियाज और गोटे कंचा लंका को दे भलि चकटी ने। मुझ कंचा लंका को एमती चकट ने चाहिए आपको छोट छोट खंड कर बैगण रे यूज करें। ये देखो बैगण आम भलि चकटी होगा या सैड करने नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। मुझे शाग भजापी किसी कोसला शाग नहीं कोसला शागर रूस गुड़ को एमती छिंडाई नहीं गोटारे धोई नहीं आपण मैंने शाग भाजवा पूर्व शाग गुड़ को एमती गोटारे रखी धोई ने
गोटे कड़े बसई से गोटे बड़ चामच सोरस तेल देदे तेल टी आम गरम हो गले से पंचफुटन को फुटाई ने फुटण आम फुटिगले से गोटे कंचा लंका और पिज को पक भलि भाजने मुझे कंचा लंका यूज करें चाहिए ये शुखला लंका यूज करेंगे पिज टे भाजीगला शुद्ध स्वाद अनुसार लुण और गुंड कर रखी बड़ी को देदे शह बड़ी को संगे संगे आड करे कारण शु जो पा बाहर थाए से बड़ी आम आराम से सीझी जाए और बहुत बढ़िया टेस्ट आसी थाए ओलटाई ओलटाई भाजने द्वारा शाग आम बढ़िया से सफ्ट हो गला आपको अल्प समय पर कभर करे एवं कभर खोली आउट कमी भाजने ये देखू आम शाग बढ़िया से सीझीगला एवं आसतु नेक्स्ट प्रोसेस को जी भात रु पेज बाहर करनाला मुझे गोटे रु दुई थर पर भलर धोई नहीं कि फ्रिज पाँच एड कर दही को आड करना दही को आड करने पूर्व मु दही को टिके ग्राइंड कर चाहिए यही दही को कंटा चामच सामती टे मिक्स कर भात आड करें मुझे प्लेन कर आड करी से मुझे ग्राइंड कर देखु दही आम टे ग्राइंड हो जाए भात आड करने दही को एमती भात आड कर सारापर मु प्रथम ट्रेडिशनल पखाला ये बनइबी मुझे पखाला अल्प टिके कंचा लंका गोटे छोट चमच आंब अदा गोटे छोट चमच धनिया पत्र नहीं कंचा लंका को ये पखाला चकट ने आपण मैंने चाहिए या छोट छोट खंड कर काटिकारे मुझे अल्प टिके लुण दे कंचा लंका धनिया पत्र आंब अदा को पक भल चकट नेबी जदि आम धनिया पत्र आंब अदा कंचा लंका को काटिकी खाली गोल तालोले एत बढ़िया फ्लेवर आसी न थाए एमती चकट ने द्वारा बहुत बढ़िया फ्लेवर आसी थाए यही समस्त सामग्री को चकट नाला एवं दही मिसा भात को आड करवा भात को आड कर सारापर एम हाथ में टिके खाली एमती मिक्स करे आम प्रथम दही पखाला रेडी होगा यहाँ ओडिशार प्योरली ट्रेडिशनल दही पखाला एवं आउ गोटे दही पखाला बनवा यहाँ हूँ छुंक पखाला यही छुंक पखाल छुंक देवाई गोटे छोट चामच सोरस अल्प टिके भूसम पत्र गोटे शुखला लंका को मुझे छिंडे नहीं गोटे छोट चामच रिफाइन तेल पकईने तेल आम टे गरम होोरस भूसम पत्र और शुखला लंका को पक भल फुटाई नवा और पखाल देद छुंक को भात दे सारापर या संगे संगे कभर करे यादारा भात छुंकर फ्लेवरटा बहुत बढ़िया से आसी जाए कि समय एमती कभर कर रखापर या कभर खोली नहीं एमती मिक्स करे यही पखाला आम समस्त रेसीपी रेडीगला आसत पखाला को सर्व करे गोटे ट्रेडिशनल और आ गोटे छुंक पखाला ये पखाला आम कौन कौन बनाई आसत मुझे देखाई नौ आलु चकटा बड़ी चूरा काकुड़ी देसी प्याज कंचा लंका पापड़ कलरा चिप्स छुई आलु मसला दिया भजा साग भजा बैगन चकटा वीडियो बहुत लंबा हो जाए बोली मुझे कलरा चिप्स और छुई आलु मसला दिया भजार वीडियो आपण मानक देखा पारे ना मुझे खूब शीघ्र ये दुईट जाकर वीडियो अपलोड करी जी आपण मानक यही रेसीपीटी भल लगी था तेज लाइक करूँ एवं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर निश्चय जनातु आपण मान फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव शेयर करूँ आग को आहरी नुआ नुआ वीडियो देखापी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी प्रेस करनी।